नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। नए आईटी नियम, केरल हाईकोर्ट ने दी एनबीए को राहत, पालन न करने पर नहीं होगी टीवी चैनलों पर कार्रवाई। हमारी दूसरी खबर में हम बात करेंगे गुजरात की। तापी में वेदांता के जिंक प्लांट पर जन सुनवाई, कैसे हुई हिंसक। एल्गार परिषद मामले में पुणे के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार होने के कागजात पेश करिए, कहना है उच्च न्यायालय का। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 43,000 नए मामले, 911 मरीजों की मौत। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को नए आईटी नियमों का पालन न करने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। एनबीए के अंदर कई समाचार चैनल आते हैं। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र को नोटिस जारी कर एनबीए की याचिका पर उससे जवाब मांगा है। इस याचिका में दलील दी गई है कि नए आईटी नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करते हैं। एनबीए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि नए आईटी नियम के तहत एक संयुक्त सचिव निरीक्षण तंत्र यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी इंस्पेक्शन सिस्टम का नेतृत्व करेगा, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वनियामक निकाय यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की निगरानी करेगा, जबकि इन नियमों के तहत मीडिया घरानों या उनके संघों को स्वनियामक निकायों यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज का गठन करना होगा, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड जजेस या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा। 5 जुलाई को गुजरात के तापी जिले में वेदांत समूह ने एक स्मेल्टर प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चालू करने के बारे में एक सार्वजनिक जन सुनवाई की थी, जिसमें हिंसा भड़क गई। पुलिस ने उत्तेजित ग्रामीणों को तीतर बितर करने के लिए 50 से अधिक आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। उनमें से कुछ ने कथित तौर पर पथराव भी किया। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस जन सुनवाई का आयोजन किया था, जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी ग्रामीणों ने महामारी के कारण इसे स्थगित करने की मांग की थी। गुजरात में पर्यावरण पर काम करने वाले एक एक्टिविस्ट कृष्णकांत चौहान ने न्यूज़ क्लिक को बताया कि सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण और डरावना था, क्योंकि जन सुनवाई के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जन सुनवाई के लिए बनाए गए अस्थायी तंबू को कंपार्टमेंट में बांट दिया गया, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगी थी ताकि वहां मौजूद लोग चल रही कार्रवाई को देख सके। वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने तापी जिले के दोसवाड़ा गांव में 415 एकड़ में फैले 300 केटीपीए यानी किलो टन प्रति वर्ष जस्ता स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। अक्टूबर 2020 में गुजरात सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयंत्र के पहले चरण में 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2022 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। जिस भूमि पर प्रस्तावित जिंक कारखाना स्थापित करने की योजना है, उसे 25 साल पहले गुजरात सरकार ने औद्योगिक स्टेट की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया था। हालांकि तब से भूमि बिना किसी इस्तेमाल के खाली पड़ी है। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में कागजात या रिकॉर्ड दिखाने को कहा कि सत्र न्यायाधीश केडी वडाने के पास एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में अधिवक्ता सुधा भारद्वाज और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ पुणे पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामादार की पीठ ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड का भारद्वाज के दावों से मिलान हो जाने के बाद यह निर्देश दिया। दरअसल भारद्वाज ने दावा किया था कि न्यायाधीश वडाने विशेष न्यायाधीश नहीं है। पीठ ने भारद्वाज के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता युग चौधरी द्वारा किए गए दावे का जिक्र किया। चौधरी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जमानत का अनुरोध किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में चौधरी ने उच्च न्यायालय से कहा था कि न्यायाधीश वडाने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, लेकिन उन्होंने एक विशेष न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया और भारद्वाज तथा अन्य 8 को 2018 में पुणे पुलिस की हिरासत में सौंप दिया था। और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी 9 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,993 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 911 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र में आज 400 से भी ज़्यादा यानी 439 मरीजों की मौत हो चुकी है।
वहीं केरल में 142 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 44,459 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 1,977 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,07,52,950 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,05,939 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.18% यानी 2,98,88,284 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.49% यानी 4,58,727 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 36,89,91,222 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 40,23,173 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.